हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, काफ़ी दिनों बाद, मतलब सॉरी सालों बाद, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। सारी तैयारी हो गई है, ये देखो बैग वगैरह सब पैक हो गया है हमारा, मम्मा का पर्स भी रेडी है। तो अभी निकलने का टाइम हो गया, हमारा ट्रेन का टाइम हो गया, तो चलिए निकलते हैं और पहुँचते हैं अपने गाँव। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ स्टेशन। अब फटाफट से ट्रेन ले लेते हैं, हमारी ट्रेन आ गई। मैं आ गई हूँ अपने सीट पे और अब ट्रेन खुलेगी कुछ देर में, तो चलते हैं डायरेक्ट विलेज की ओर। हमें अपनी सीट तो मिल गई थी, लेकिन काफ़ी सारे पैसेंजर ऐसे थे जिन्हें अपनी सीट नहीं मिली थी। इस कारण ना एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में सब ट्रैवल कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ट्रेन भी हमारी खुल चुकी है, अब चलते फटाफट से पहुंचेंगे गांव जल्दी से। बहुत एक्साइटमेंट हूँ और बहुत मज़े करने वाली हूँ। और ये देखो काफ़ी सारे लोग छूट भी गए इसी चक्कर में, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेन पे बिना खाए कोई कैसे ही सफ़र कर सकता है, तो मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें लेकर के ट्रेन पे सफ़र करना स्टार्ट किया खाते हुए। तो बहुत मज़ा आता है खाते हुए सफ़र करने में। और यहाँ पे हम लोग आधा रास्ता पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक पुल आई थी जिसका नाम है मुकामा पुल, जो कि गंगा रिवर पूरा दिखती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं खा भी रही थी और साथ साथ अपने नज़ारों का मज़ा भी ले रही थी, फिर भी मेरा उससे पेट नहीं भरा। तो मैंने ये थोड़ा सा लिया झालमुड़ी जो ट्रेन पर आती है मिलने, और फिर मैंने का एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने विलेज एरिया। अभी जस्ट पहुंचे, काफ़ी ट्रेन लेट हो गई थी ना, इसलिए लेट हो गया, रात भी हो गई है और हमारी ट्रेन चली भी गई। वो जा रही है बट दिख नहीं हो रही, रेड रेड वो चली गई। अब चलते हैं यहाँ से हम घर, रात हो गई है, तो देखते हैं ई रिक्शा वगैरह कुछ मिलता है या नहीं, तो लेके चलते हैं डायरेक्ट विलेज। हमारा विलेज का स्टेशन, जो कि अभी पूरा खाली पड़ा है क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई थी और हमें काफ़ी रात में उतारा था ट्रेन ने, इसलिए मैं अकेले यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ और इतनी खुश हूँ, मतलब सबसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ कि पूछिए मत कौन कौन गांव जाके इतना एक्साइटेड होता है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने घर वालों से मिलाती हूँ और वहाँ पर इंजॉय करते हैं फटाफट से। चलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ स्टेशन से बाहर और यहाँ पर ना स्टेशन से निकलते ही है ना बहुत पुरानी ना दुर्गा मंदिर है जो कि हमारे पीछे है। तो मैं आपको सोची इतने दिन बाद गाँव आई हूँ तो दुर्गा माता का दर्शन जरूर कराऊंगी, तो चलिए दर्शन कराते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दुर्गा माता का मंदिर, जो ठीक स्टेशन के बाहर ही सामने ही आपको दिख जाएगी, जिसकी काफ़ी सारी मान्यता, और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, काफ़ी बड़ी मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर का। तो मंदिर आए स्टेशन से बाहर और दर्शन ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए माता रानी का दर्शन करते हैं। यहाँ स्टेशन के बाहर जो भी लोग आते हैं ना, पहले माता रानी के दर्शन करते हैं फिर अपने घर की ओर जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम भी दर्शन करके निकले घर की ओर। जय माता दी। माता रानी की दर्शन तो हो गई है, अब चल रहे हैं हम लोग टोटो लेकर के, यहाँ से जाना पड़ता है, तो अब चलते हैं विलेज वाले एरिया में, मेन एरिया में। सो हम पहुँच गए अपने घर और घर जाते ही मुझे टेस्टी टेस्टी सा मामी ने नाश्ता बना के दिया। देखो मम्मी तो अभी खाना स्टार्ट कर दी। कौन सा गाना गाई पिडू बता ना, बहुत अच्छा गाना था, सही में अच्छा लग रहा था। सिखाओ सिखाओ प्रिंस को, प्रिंस भी गाएगा। प्रिंस यदि कौन सा गाना गाई, ओ यार मेरे बताओ ये क्या था, ये देखो तेरे धूल से भर के। अरे वाह, वाह यार क्या गाना गा रही है, बताओ कितना सुरीला आवाज में गा रही है। इतना सुर है क्या तेरे धूल से भर के, मेरा परिंदा। हां परिंदा।
सुबह से ही गाना गा रही है, सुबह से क्या मिल रहा है सबको? राक्षस है सब, है सुबह 4 बजे से हल्ला मचा रहे हैं। सबसे बड़ा वाला है ये, लाओ लाओ लाओ, मत खाओ तुम। देखो कितना समझदार, खा जाए ना पूरा, नहीं खाओगे ना फिर नहीं मिलेगा दोबारा तुमको। ये क्या कोई है, इसमें से तोड़ तोड़ के क्या खाना, पूरा दे दिए ना हमको, मिल गया ना बस। नहीं नहीं नहीं, नहीं देंगे ही नहीं। आए क्या देते तो पूरा बेड़े पर, नहीं दोगे ना? दांत काट, नहीं ना दोगे? तोड़ के नहीं खाता, दांत काट के खाओ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं नाश्ता करके फटाक से आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही गांव के और भी वीडियो आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, आई लव यू।